अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद अनीस। आज आपके साथ कॉर्नर का सातवां लेकर घर शेयर करने जा रहा हूँ। अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो फैसल टाउन ब्लॉक ए इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। कॉर्नर का घर है। आप प्रॉपर इसकी बाहर जो गार्डन एरिया है वो भी आप चेक कर सकते हैं। सराउंडिंग में मैप आप बाद भी चेक कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत किस्म का घर बना हुआ है। ये आप इसकी वायर जो लुक है वो आप प्रॉपर चेक कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। अभी चलते हैं अंदर की तरफ। तो आपको यहाँ पे गैराज देखने को मिल जाता है और गैराज की सीलिंग भी आप चेक कर सकते हैं। दो बड़ी गाड़ियाँ बड़ी आसानी से पार्क हो जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे आपका अपना वो हुआ है, ये आप प्रॉपर देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का घर बना हुआ है। बाकी वो जो पेंट है वॉल पे वो भी प्रॉपर हुआ है। इसकी आप प्रॉपर ये सीलिंग भी चेक कर सकते हैं। खूबसूरत किस्म का सीलिंग हुआ है। बहुत ही कमतर घर होते हैं जिन मतलब जिनमें प्रॉपर काम हुआ होता है और जिनकी कंस्ट्रक्शन प्रॉपर हुई होती है। ये घर वगैरह से आपको ड्राइंग रूम का एक्सेस मिल जाता है और मेन एक्सेस मिल जाता है एंट्रेंस का। तो यहाँ से आपको अब फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियाँ भी देखने को मिल जाती है और टीवी लाउंज का भी एक्सेस है। तो टीवी लाउंज में इंटर होकर आप प्रॉपर चेक कर सकते हैं। सामने आपको दो मास्टर बेडरूम, उसके साथ ही आपको किचन और इस साइड पे आपको ड्राइंग रूम का एक्सेस देखने को मिल जाता है। टीवी लाउंज की आप वेंटिलेशन भी चेक करें। सामने आपको मल्टीमीडिया वॉल देखने को मिल जाता है जो कि इंस्टॉल लाइब्रेरी मल्टीमीडिया के लिए पूरा सेटअप किया गया है। इसका फ्लोरिंग वर्क आप चेक करें। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का घर बना हुआ है। बाकी किचन की तरफ जाते हैं तो किचन में भी आप फ्लोरिंग वर्क चेक करें और सीलिंग भी आप देख सकते हैं जो किचन की सीलिंग हुई है। किचन में आपको एग्जॉस्ट भी देखने को मिल जाता है और इलेक्ट्रिकल एग्जॉस्ट भी इंस्टॉल है। बाकी जो टाइल वर्क वॉल पे हुआ है ये भी आप देख सकते हैं। प्रॉपर खूबसूरत किस्म का टाइल वर्क हुआ है। इस साइड पे आपको कबर्स देखने को मिल जाते हैं। जो कबर्स जो वुडन वर्क है, जो टाइल वर्क है, जो सिल्क वर्क है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हुआ है। यहाँ पे आपको वेंटिलेशन विंडो भी देखने को मिल जाती है। चूल्हा भी इंस्टॉल्ड है। तो अभी जाते हैं ड्राइंग रूम की तरफ। गेस्ट रूम ड्राइंग रूम आप प्रॉपर देख सकते हैं। इसकी भी सीलिंग देखें, खूबसूरत किस्म की सीलिंग बनी हुई है और मल्टीमीडिया फ्रेम भी आपके लिए इंस्टॉल है। साथ में आपको टू साइड विंडो वेंटिलेशन भी मिल जाता है जिससे आप टू साइड व्यू इंजॉय कर सकते हैं। अब चलते हैं फर्स्ट मास्टर बेडरूम की तरफ। अच्छा, दूसरी बात मैं बताना भूल गया कि ड्राइंग रूम के साथ यहाँ पे आपके लिए जो गेस्ट रूम है उसके लिए वॉशरूम भी अवेलेबल है। और ये आपका प्रॉपर फर्स्ट मास्टर बेडरूम हो गया। यहाँ पे विंडो वेंटिलेशन इंस्टॉल्ड है। यहाँ की जो सीलिंग है बहुत ही मतलब डिसेंट लुक की हुई है। हर कमरे में आपको ड्राइंग ये जो अटैच बाथरूम है और साथ में कबर्ड्स देखने को मिल जाते हैं। प्रॉपर इसका जो बाथरूम है ये आप चेक करें। ये लॉन्ड्री एरिया हो गया। लॉन्ड्री एरिया का एक्सेस बाहर की तरफ से भी है क्योंकि चूँकि ये जो है वो कॉर्नर का घर है। और ये सामने आपको ग्रीजर देखने को मिल जाता है जो कि इलेक्ट्रिक और गैस दोनों से चलता है। अब जाते दूसरे मास्टर बेडरूम की तरफ। इसकी भी आप सीलिंग देखें और साथ में फ्लोरिंग वर्क चेक करें। इसमें भी आपको कबर्ड्स और अटैच बाथरूम देखने को मिल जाते हैं। जो इन्होंने वॉशरूम का वर्क किया हुआ है मतलब फिनिशिंग की है, जो कमरों की फिनिशिंग है और जो किचन की फिनिशिंग है, बहुत ही आउट क्लास की फिनिशिंग इन्होंने की है। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर में भी आपको इस साइड पे एक बेडरूम देखने को मिल जाता है। इसमें भी आपके लिए कबर्ड और अटैच बाथरूम आपको देखने को मिल जाते हैं। इस प्रॉपर सीलिंग देखे, यहाँ पे भी खूबसूरत वेंटिलेशन विंडो इंस्टॉल्ड है। इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त फिनिशिंग की है इस घर की। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। वुडन वर्क भी बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। ये इसका टीवी लाउंज हो गया फर्स्ट मास्टर। ये जो फर्स्ट फ्लोर है
या फिर भी आपको सेम एज इट इज़ जो नक्शा ग्राउंड फ्लोर पे सेम एज इट इज़ आपको अपर फ्लोर पे भी देखने को मिल जाता है, या फिर भी आपके लिए गेस्ट रूम मौजूद है, ड्राइंग रूम ये आप प्रॉपर देख सकते हैं। एज इट इज़ जैसे ग्राउंड फ्लोर का नक्शा है, एज इट इज़ फर्स्ट फ्लोर का भी सेम ही नक्शा है, कोई फ़र्क नहीं है, सेम फिनिशिंग हुई है और बिल्कुल सेम वर्क हुआ है, सेम नक्शा है। ये डिसेंट लुक आप किचन का भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह सेम एज इट इज़ आपको फोर्थ मास्टर बेडरूम भी देखने को मिल जाता है। टोटल एकोमोडेशन की बात करें तो इस घर में आपको फाइव मास्टर बेडरूम देखने को मिल जाएंगे, एक माउंटी और टू गेस्ट रूम जो कि ड्राइंग रूम्स है, टू टीवी लाउंज आपको देखने को मिलेंगे। ये फिफ्थ मास्टर बेडरूम हो गया, इसकी भी आप सीलिंग देखें, फ्लोरिंग वर्क सब कुछ एज इट इज़ जैसे नीचे हुआ है एज इट इज़ यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ से भी आप विंड मतलब वेंटिलेशन आपको देखने को मिल जाता है बैलकनी का, और प्रॉपर व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं। इसका जो वॉशरूम है ये भी आप देख सकते हैं। आप जाते सेकेंड फ्लोर की तरफ जो कि कूलर छत है, या लेफ्ट साइड पे आपको एक स्टोर जैसा देखने को मिल जाता है, ये ओपन छत हो गया, और यहाँ पे आपको ये प्रॉपर मोमटी इंस्टॉल है, मतलब कि मोमटी बनी हुई है, और मोमटी कोई रफ टाइप की मोमटी नहीं बनी, बिल्कुल प्रॉपर डिसेंट लुक की मोमटी बनी हुई है। यहाँ पे भी आपको कबर्स और अटैच वॉशरूम देखने को मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं। मैंने पहले ही बताया बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो इन्होंने घर बनाया हुआ है। ये सामने आपको ब्लॉक ए का मेन मरकज़ देखने को मिल जाता है, सराउंडिंग में आप प्रॉपर आबादी भी चेक कर सकते हैं। इस स्ट्रीट की एंड साइड पे ये सामने मस्जिद बनने जा रहा है। बाकी जिस किसी ने भी लेना हो अभी आपसे रब्ता करें, मेरा नंबर वीडियो में नीचे मेंशन है, या आप प्रॉपर देख सकते हैं।